हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एस पारावंट में दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ मोबाइल क्रेन यानी कोई भी जो मोबाइल क्रेन हो उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है उसके इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या पॉइंट्स को चेक करना होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चेकलिस्ट के हेल्प से जानते हैं कि हमें मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन करते टाइम क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए तो दोस्तों मोबाइल क्रेन के हम इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को देखें तो जो सबसे पहला है वो है नेम ऑफ प्रोजेक्ट यानी जो प्रोजेक्ट का नाम हो उसे हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी क्रेन का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना है नेक्स्ट कर है डेट ऑफ इंस्पेक्शन यानी जिस डेट में इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर मैंसन कर देना है उसके बाद है इंस्पेक्शन टीम यानी जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उनका यहाँ पर नाम लिख देना है नेक्स्ट है मेक या मॉडल यानी क्रेन का जो मेक और मॉडल है वो क्या है उसके बाद है एसेट कोड अगर क्रेन का कोई एसेट कोड है तो उसको यहाँ मेंशन करना है नेक्स्ट है ऑन बाई यानी ये किसका क्रेन है किसके द्वारा ऑन किया गया उसका नाम लिखना है और नेक्स्ट है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी ये क्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो कौन से ईयर में है उसको मैंसन करना है तो दोस्तों मोबाइल क्रेन के इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी शुड बी इन साउंड मैनर यानी क्रेन का जो फिजिकल कंडीशन और बॉडी का वो साउंड मैनर में होना चाहिए अगर है तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे और नहीं है तो नो मेंशन कर देंगे नेक्स्ट है नो डैमेज इन टायर बोल्ड्स क्रैक्स कट्स एंड एयर प्रेशर यानी जो टायर हो उसमें किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन यानी जो हेड और टेल लाइट हो और इंडिकेटर हो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए अगर है तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे फोर्थ नंबर है साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन यानी क्रेन का जो साइड मिरर है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है दोस्तों सेफ़ वर्क लोड एस डब्ल्यू एल मार्क यानी क्रेन का जो भी सेफ वर्क लोड है वो क्रेन पे मार्क्ड होना चाहिए सिक्स नंबर है हॉस्ट स्टेमेज स्विच यानी क्रेन का जो हॉर्ड स्टेमेज स्विच है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए सेवेंथ नंबर पॉइंट है वायर रोप फ्री फ्रॉम डैमेज यानी क्रेन का जो वायर रोप हो उसमें किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए एट्थ नंबर पॉइंट है सेफ्टी लैच इन हुक यानी हुक के अंदर जो हुक लैच होता है वो सही होना चाहिए उसके बाद है दोस्तों आउटरिगर विथ स्प्रेडर मैट शुड बी इन गुड एंड वर्किंग कंडीशन यानी क्रेन का जो आउट्रीगर हो उसका स्प्रेडर मैट हो वो गुड कंडीशन में होना चाहिए टेंथ नंबर है स्प्रिट लेवल शुड बी इंस्टॉल्ड यानी क्रेन के अंदर स्प्रिट लेवल इंस्टॉल होना चाहिए जिससे कि हम क्रेन को लेवल कर सके एलवेंथ नंबर है बूम कंडीशन वाइल फुल एक्सटेंशन फ्री फ्रॉम डैमेज क्रैक एंड जैमिंग एटसेट्रा यानी क्रेन के बूम को हम जब फुल्ली एक्सटेंड करें तो उसमें कोई भी डैमेज क्रैक या वो जाम नहीं होना चाहिए ट्वेल्थ नंबर पॉइंट है नो ऑयल लीकेज इन हाइड्रोलिक पार्ट यानी क्रेन के किसी भी हाइड्रोलिक पार्ट में कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए थर्टिनथ नंबर है सेफ लोड इंडिकेटर शुड बी इन वर्किंग स्टेट यानी क्रेन का जो सेफ लोड इंडिकेटर एस आई हो वो वर्किंग कंडीशन में हो फोर्टी नंबर पॉइंट है फ्रंट रिवर्स एंड स्विंग हॉर्न यानी क्रेन का जो फ्रंट और रिवर्स और स्विंग हॉर्न हो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है फायर एक्सटेंसर इन ऑपरेटर केबिन यानी जो ऑपरेटर का केबिन हो उसमें फायर एक्सटनसर अवेलेबल होना चाहिए सिक्सटीन नंबर पॉइंट है ऑपरेटर शुड हैव वैलिड एंड सुटेबल लाइसेंस यानी जो ऑपरेटर है उसके पास वैलिड और सुटेबल लाइसेंस होना चाहिए नंबर है क्रेन सेम्यूलेटर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन यानी क्रेन सेमुलेटर हो वो वर्किंग कंडीशन में हो एटीन नंबर पॉइंट है फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल यानी क्रेन के ऑपरेटर केबिन में फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए और सबसे लास्ट पॉइंट है क्रेन शुड बी फिजिकली गुड एंड शुड हैव वैलिड टीपीआई यानी क्रेन का जो कंडीशन हो वो फिजिकली गुड होना चाहिए और उसके पास वैलिड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और सबसे नीचे में देखें दोस्तों तो इंस्पेक्शन बाय पी एनडम यानी पी से जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है उसका नेम एंड सिग्नेचर नेक्स्ट है इंस्पेक्टेड ईएचएस यानी ई एच एस डिपार्टमेंट से जो भी इंस्पेक्शन करे उसका नेम एंड सिग्नेचर तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग